एक प्रॉब्लम है, ये लोग सोलो ट्रैवलर्स को रूम नहीं देते। फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ हरासमेंट और जिस तरह का भाई ये कोच था, 12 घंटे लेट चल रहा था, समझ जाओ कि हालत क्या है अब भाई। आई होप बाकी चीजें यहाँ पे अच्छी रहे, और बुरी तो मैं आया हूँ इसके पहले भी, तो मतलब बट मैं अकेले नहीं आया था। अब अकेले का एक्सपीरियंस लूंगा कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग। वो और आपका वो जगह जहाँ से निकला था एंड अब यहाँ पे बस चल रहे हैं, देखते हैं कैसे जाता है। इधर से पूरी बीच पर आएंगे और फिर लेट्स सी दिस ऑल वही कान भी है। ये जगन्नाथ टेम्पल कहाँ तो दूर 1.5 किलोमीटर ताले ना देखी थोड़ा सा बिना कुछ कहेंगे। तो आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ कि रूम कैसा है। अभी तो थोड़ा ज्यादा मेस्ड अप है, तो उस चीज को इतना ज्यादा नोट मत करना, बट उसके अलावा आपको रूम दिखा देता हूँ कैसा है। और मेरे को कितने का पड़ा मैं वो भी बताता हूँ। मुझे जो पड़ा है वो है 1500 का, यूजुअली है 1700 जैसा बोल रहे थे, बट मैंने थोड़ा बार्गेनिंग किया एंड 1500 तक में मेरे को मतलब ठीक लगा, एंड मेरे लिए एवरेज है 1500 तक का। तो उस हिसाब से मैं दिखाता रूम कैसा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपका मिरर, ठीक है। ये है आपका वॉशरूम जो कि ठीक ठीक है, स्पेस काफ़ी सही है, और ग्रीजर हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है सब कुछ है। एसी जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये छोटा सा टीवी, एक्चुअली वॉकिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और ये रहा आपका रूम, ये सब मत देखना, ये सब तो भाई मत ही देखना, क्योंकि ये सब का तो मतलब काफ़ी गंदा हालत पड़ा हुआ पड़ा है ना, तो ये सब मत ही देखना। उसके अलावा आप जो देखना देख लो। है काफी प्यारा ये देख, वो देखो कितना प्यारा है, सही पहले छीना ना, है काफी अच्छा। कोट वुड बी मस्त, आपका नॉर्मल बीच व्यूज। आगे में जाके आपको गोल्डन बीच भी दिखाएंगे, तो उसमें भी जाने का भी तो प्लान है, लेट्स सी। आपका गोल्डन बीच के तरफ, एंड मुझे एक चीज का वो है अफसोस कि मैंने एक दिन के लिए क्यों नहीं करवाया, क्योंकि हमेशा जब भी मैं होटल बुक करवाता हूँ मैं एक दिन के लिए करवाता हूँ, बट यहाँ पे मैंने नहीं करवाया, तो उस चीज का थोड़ा बहुत अफसोस था ही कि मैंने क्यों नहीं करवाया, करवाना चाहिए था। उससे क्या होता कि मैं अभी जैसे आगे जा रहा हूँ तो मुझे और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन देख सकता रहा, क्योंकि 1200-1200 में तो 1500 तक में तो कोई भी दे देगा, तो जब मुझे ऑप्शन देख रहा मुझे और लालच आ रहा है कि यार मैं ये एक दिन एक्सप्लोर कर लेता वो एक दिन एक्सप्लोर कर लेता। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये लोग सोलो ट्रैवलर्स को रूम नहीं देते, तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा डर था कि मतलब मुझे देंगे नहीं देंगे, इसलिए मैंने 2 दिन में करवा लिया। बट अब एक चीज़ वो भी है ना कि अगर आप एक दिन दे रहे हो तो दूसरे दिन भी आप दोगे ही, क्योंकि आपको पैसा फ्रीगा मैं। बट ठीक है, अब जब है नहीं नहीं तो फिर क्या ही बोलना। और ये देखो बड़ा, ये है आपका एक्सप्रेस खाना वाना का, नहीं रूम लेता है। एंड सोलो का तो थोड़ा आई डोंट नो क्या मिला है, यूजुअली किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो तब से ये सोलो वाला का बहुत झमेला होता है कि जहाँ भी बीच के आसपास में लोग जाने नहीं देते। मुझे अभी तक लॉजिक समझ नहीं आता, बट ठीक है चल रहा है चलता है बस वैसा ही। चलो मैं आपको आगे जाके अपडेट करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो फिर।